महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना के तत्वाधान में एक दिवसीय निःशुल्क अग्रोहा धाम यात्रा का शुभारंभ मैसी के प्रधान विनय गुप्ता द्वारा झंडी दिखाकर किया गया। ये यात्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ हुई। अग्रोहा धाम में पहुंचकर प्रातः स्मरणीय अगरकुल नरेश भगवान श्री अग्रसेन महाराज मंदिर, कुल देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर, श्री सरस्वती मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, अमरनाथ गुफा, श्री हनुमान जी मंदिर इत्यादि के दर्शन सभी ने किए। सभी यात्रियों ने अग्रोहा धाम में शक्ति सरोवर में स्नान किया हुए सभी के मंगल की कामना की। यात्रा में बड़े बुजुर्गों, बच्चों व महिलाओं ने भाग लिया, क्योंकि कई वर्षों के बाद इस प्रकार की धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। अधिवक्ता जवाहरलाल गोयल ने बताया कि ऐसी यात्राओं का समय समय पर आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि समाज में भाईचारे की भावना बनी रहे व सभी अपनी जड़ों से जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त करते रहे। सुमित गर्ग हिंदुस्तानी ने कहा कि हमें अग्रसेन जी के दिखाए गए समाजवाद एवं समानता के रास्ते पर चलकर समाज सेवा के प्रकल्पों से जुड़े रहना चाहिए। प्रथम बार अग्रोहा धाम गए व्यवसायी गौरव मित्तल ने अग्रकुल के इतिहास को जानकर अपने आप को धन्य महसूस किया। वे समाज के लोगों से अपील की कि साल में एक बार परिवार सहित अग्रोहा धाम दर्शन के लिए जरूर आना चाहिए। मैसी के प्रधान विनय गुप्ता ने यात्रा में जाने वाले सभी अगर बंधुओं का, विशेष तौर पर टैरी के निदेशक आदित्य गुप्ता का आभार व्यक्त किया। यात्रा में संजीव गर्ग, कपिल मित्तल, मुनीश मित्तल, विपिन गर्ग, रमेश गोयल, प्रमोद, विजय गुप्ता, सुरेंद्र गोयल, सुदेश गोयल, मंजीत व संजय मित्तल इत्यादि ने विशेष रूप से शिरकत की।